नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के एक बार फिर से प्रश्न और उत्तर को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज के प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रणाम गुरुजी, ईश्वर ने दूसरी दुनिया की योनि जैसे भूत प्रेत आदि जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, उस पे पर्दा क्यों डाल रखा है? माता के अंश से निकली योगिनी शक्तियां और तपस्या करके भैरवी पद को हासिल की हुई भैरवी में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है? क्या माता के लोक के अप्सरा और देवलोक की अप्सरा में फर्क होता है? अगर ऐसा होता है तो माता के लोक की कोई अप्सरा की जानकारी और साधना उपलब्ध करवा दीजिए। किसी ने माता काली आपके चलाई थी और अनुभव के बारे में बताइए। माता पराशक्ति के स्वरूप का वर्णन, उनके लोक के बारे में, उनकी सेविका शक्तियों के बारे में, उनके लोक की अप्सरा योगिनी भैरवी शक्तियों के बारे में, इनमें से जो भी जानकारी आपके पास होगी उस पे वीडियो बनाएं। जुड़वा आत्मा, यानी एक आत्मा दो अलग शरीरों में हो और एक साथ धरती पर जन्म लिया हो, के बारे में आप अगर कुछ जानकारी दे सकते हैं तो उस पे एक वीडियो बनाएं। जो भूत प्रेत पिशाच आदि योनियां इंसानों की जान ले ले, क्या उनका भी कर्म फल उनको भुगतना होता है? घर पे नींबू की सात्विक बलि दे के तंत्र काट या कोई काम कैसे किया जाता है? छोटे प्रयोग करके भी कोई अप्सरा यक्षिणी योगिनी या कोई अन्य शक्ति का एहसास कैसे किया जा सकता है बिना साधना किए? कुल देवी को प्रसन्न करके का कोई प्रयोग या कोई उपाय बताएं, और कोई साधना या पाठ करने के संकल्प लिया हो और बीच में सुतक आए तो क्या वो साधना या पाठ रोकना होगा या उसे कंटिन्यू कर सकते हैं? तो आज के यही प्रश्न हैं, तो चलिए जानते हैं इनके उत्तरों के विषय में। तो देखिए, सबसे पहले हम नीचे के प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो पूछा गया है कि कोई साधना या पाठ करने से संकल्प लिया हो और बीच में सुतक आए तो साधना को पाठ रोकना होता है या कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, सुतक परिवार के सदस्यों पे लगता है और मूल रूप से रक्त, जिनसे रक्त संबंध हो, उन लोगों पर अगर सुतक लगता है तो साधना को रोकना पड़ता है। लेकिन दूर के रिश्तेदार हैं तो आप चाहें तो अपने घर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर भी तांत्रिक साधनाएं कर सकते हैं, तब यह चीज़ कार्य नहीं करेगी। सुतक मूल रूप से उन परिवार के सदस्यों जिसमें एक ही घर में रहने वाले लोगों पर लगता है, इसलिए इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। दूर के रिश्तेदारों की वजह से आपकी साधना खंडित नहीं होती है, लेकिन अब किसी का पिता समाप्त हो गया है, माता समाप्त हो गई है, या नज़दीक का रिश्तेदार जो आपके ही घर में रहता था वो समाप्त हुआ है, तो फिर सुतक पूरे परिवार पर लगा हुआ है, इसलिए आप साधना नहीं कर सकते उस घर में, अगर आप घर में साधना कर रहे थे तो। ऐसे में साधना दूसरे स्थान पर करने का नियम बताया गया है, अगर कोई विशेष तांत्रिक साधना कर रहे हैं तो। बाकी उतने दिन साधना छोड़नी पड़ती है तभी आपको फल मिलता है, वरना पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सावधानी पूर्वक ही ये कहा जाता है कि साधनाएं घर से बाहर ही करनी चाहिए, क्योंकि घर में इस तरह की कई तरह समस्याएं आती ही रहती हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि कुल देवी को प्रसन्न करने का कोई प्रयोग या उपाय बताएं। तो कुल देवी को पहले स्थापित करना चाहिए और उसके बाद फिर उनकी पूजा करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में कुल देवी स्थापित नहीं है तो फिर आपको उनकी कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले अगर आपके घर में सिर्फ इतना पता है कि आपकी कुल देवी कौन सी हैं, तो उन्हें स्थापित कीजिए, उनका विधिवत पूजन कीजिए, तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। छोटे प्रयोग करके भी कोई अप्सरा यक्षिणी योगिनी या अन्य शक्तियों का एहसास किया जा सकता है। तो इस तरह के जो प्रयोग होते हैं, इनमें अधिकतर वही शक्तियाँ आती हैं जो ज़्यादातर नकारात्मक हैं। सकारात्मक शक्तियों को क्या पड़ा है कि आपको वह अपना दर्शन दे या फिर आपको विशेष प्रकार का अनुभव करवाएं, क्योंकि उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ऊर्जा चुराने के लिए हमेशा लालायित रहती हैं, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता, और पहले ही कर्मों की वजह से वो गलत योनियों में फंसी होती हैं। इसलिए भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल इत्यादि जो चीज़ें हैं, इनकी हम अनुभव कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है। विधान वैसा ही रखना चाहिए
और कुछ दिन का होना चाहिए। संकल्प आप 6-7 दिन का ले सकते हैं। 7 दिन का कम से कम संकल्प लेना चाहिए कि मैं इसे अनुभव के रूप में जानना चाहता हूँ। यह संकल्प लेकर आपको उनकी उपासना पूरी विधान से करनी चाहिए, ऐसा विधान होता है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, सबसे पहले गुरु मंत्र लेना अनिवार्य है, क्योंकि अगर कोई शक्ति आपसे जुड़ जाती है तो फिर वह आपका नुकसान भी कर सकती है, तो गुरु मंत्र आपकी रक्षा करेगा। इसके अलावा कोई भी साधना करते हो तो उस स्थान में रहने वाले भैरव जी, जिन्हें हम स्थान भैरव कहते हैं, इनको ये अधिकार प्राप्त है कि कोई भी साधना हो उसका फल यह चुरा सकते हैं और चाहे तो साधक से पूरा फल छीन सकते हैं, इसलिए भी गुरु मंत्र अनिवार्य हो जाता है। तो गुरु मंत्र ले लीजिए, उसका अनुष्ठान करते रहिए, आजीवन आप पूजा पाठ करते रहिए, साथ में इस तरह के प्रयोग अवश्य कीजिए, क्योंकि यही प्रयोग आपको विश्वास दिलाएंगे कि इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त जितनी भी ऊर्जाएं हैं वह सभी विद्यमान है। दूसरी दुनिया होती है, उसके जीव होते हैं, अलग अलग शक्तियां होती हैं इत्यादि। घर पे नींबू के सात्विक बलि देने के तंत्र काट का कोई काम किया जा सकता है क्या? देखिए, पहले आपका मंत्र सिद्ध होना चाहिए। काट के लिए नींबू इत्यादि, मिर्ची का इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनिवार्य बात जो है वो है उस मंत्र का सिद्ध होना। अगर मंत्र सिद्ध है तो नींबू हो, मिर्ची हो या फिर कोई भी औषधीय चीज़ें हैं उनके प्रयोग सभी सफल रहते हैं। इसलिए पहले कोई भी मंत्र, चाहे वो शाबर मंत्र हो, गुरु मंत्र हो या फिर कोई अन्य मंत्र हो, उसे आपका सिद्ध कर लेना आवश्यक होता है। जो भूत प्रेत पिशाच आदि योनियां इंसानों की जान ले लेकर उनका भी क्या कर्म फल भुगतना होता है? देखिए, जो भी शक्ति आपकी जान ले ले, इतनी सामर्थ्य उसके अंदर कभी नहीं होती है। निश्चित रूप से आपके ही बुरे कर्म हैं जिनकी वजह से उनको इतनी शक्ति मिल रही है। लेकिन हाँ, यह भी है कि अगर वह ऐसा कर्म करता है तो उसका भी फल निर्मित हो जाता है और इस निर्मित फल को भी उन्हें फिर भोगना पड़ता है। वो काफ़ी दिनों तक उस योनि में रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हालांकि यह भी है कि जब वो उस व्यक्ति को मार देते हैं तो वह भी उनका सेवक बन जाता है, अगर वह बड़े मंत्र का उपासक नहीं है या फिर उनसे बड़ी शक्ति नहीं है, तो फिर वो शक्तियाँ अपने लोक में उसे खींच लेती हैं और वह उनका वहाँ गुलाम बना रहता है। इसीलिए जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा होती है वो निश्चित रूप से भूत प्रेतों के अधीन भी हो जाते हैं और उनके सेवक मरने के बाद बन जाते हैं। और इस योनि में वो जो भूत प्रेत है जिसने आपके साथ ऐसा किया है वह लाखों वर्षों तक फिर बना रहता है, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती है। वैसे ही जैसे काम वासना है, क्रोध मद मोह लोभ, ये सब चीज़ें बनी रहती हैं आदमी की, कभी नष्ट नहीं होती, इसी तरह ये पुराने पिशाच, पुराने भूत प्रेत बने रहते हैं। आपने जुड़वा आत्मा के विषय में पूछा है। आत्मा जो होती है नियम के अनुसार कभी जुड़वा नहीं होती है। हाँ, एक शरीर में दो आत्माएं निवास करने की कोशिश करती हैं तो भी शरीर बिगड़ जाता है, ऊर्जाएं शरीर को नष्ट करती हैं और वह आदमी मस्तिष्क से बिल्कुल बिखर सा जाता है। इसीलिए किन्नर शक्ति के रूप में वह हमें दिखाई पड़ता है जब ऊर्जाएं बिगड़ती हैं। जब सामान्य मनुष्य में बराबर बराबर शक्तियां पुरुष और स्त्री की आ जाती हैं तो भी वह किन्नर बन जाता है। तो फिर दो आत्माएं निवास करेंगी तो उसका तो मूल रूप से कभी भी भला नहीं हो सकता है। आपकी एक ही आत्मा शुद्ध रूप से आपके अंदर विद्यमान रहनी चाहिए। आपने पूछा है माता पराशक्ति के रूप स्वरूप का वर्णन, उनके लोक का वर्णन, उनकी सेविका शक्तियों के बारे में, अप्सरा, योगिनी, भैरवी इत्यादि। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ माता पराशक्ति है क्या। माता पराशक्ति क्या है सबसे पहले यह जानना आवश्यक है। हालांकि मैंने श्री दुर्गा सप्तशती टीका भाग 1 में पराशक्ति दर्शन दिया है, उसे अवश्य पढ़ें, जो मेरी पुस्तक है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि में उपलब्ध है, वहाँ उसे मंगवा लीजिए। उसमें बहुत ज्ञान है और आगे भी उसका विस्तृत ज्ञान दूसरे भागों में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम माता पराशक्ति को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। परा
शक्ति का मतलब होता है वह शक्ति जो सबसे परे है, वह जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे है, वह जो ब्रह्मांड के हर तत्व से परे है, इसीलिए वह परा शब्द उसके साथ जुड़ता है। तो इतनी बड़ी शक्ति का कोई लोक नहीं होता। लोक का मतलब क्या है? लोक जो है वो रहने का स्थान होता है, किसी भी देवी देवता के रहने के लिए बनाया गया स्थान। तो आप चाहे भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक हो, भगवान शिव का कैलाश लोक हो, आपके भगवान श्री कृष्ण का गोलोक हो, या फिर इसी प्रकार के अन्य देवी देवताओं के स्वर्ग का जो है इंद्र के लिए और अन्य देवताओं के लिए बनाया गया है। तो लोक का मतलब होता है रहने का स्थान। जिसके पास शरीर होता है वही रहता है, जिसके पास सोच होती है वही रहता है, जिसके पास कोई कार्य होता है वही रहता है। किंतु माता पराशक्ति संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त रहने वाली शक्ति है। इन्हीं का ही ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश तक करते हैं। सभी देवी देवता इन्हीं की पूजा और इन्हीं का ध्यान करते हैं, इन्हीं से ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये पराशक्ति कहलाती हैं। इनका ना तो कोई लोक है ना ही रहने का स्थान, क्योंकि ये सब में व्याप्त हैं, सबके अंदर रहती हैं। आत्मा रूप से यही प्रत्येक मनुष्य को जीवित रखती हैं। जब ये शरीर से बाहर निकल जाती हैं तो हर जीव नष्ट हो जाता है। हर ग्रह पर इनकी ऊर्जा विद्यमान रहती है। जब यह ऊर्जा निकल जाती है तो वह पूरा ग्रह नष्ट हो जाता है। सूर्य की ऊर्जा इन्हीं से है, चंद्रमा की शीतलता इन्हीं से है, किसी भी व्यक्ति में बुद्धि तत्व इन्हीं के कारण होता है। इन्हीं के प्रभाव से हर एक व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य आती है, जिसे चाहें उसे राजा बनाती, जिसे चाहें उसे रंक कर देती हैं। इनके विषय में ना तो कोई आज तक जान पाया है ना ही समझ पाया है, क्योंकि यह सबसे परे हैं। केवल मंत्रों के माध्यम से इनकी उपासना करने की कोशिशें की गई हैं, इसीलिए इन्हें महा पराशक्ति कहा जाता है। मूल परमात्मा और इनमें कोई भिन्नता नहीं मानी जाती है, यह सदैव गोपनीय ही रहती हैं। लेकिन भक्तों की इच्छा अनुसार कभी राम, कभी कृष्ण, कभी शिव, कभी किसी अन्य देवता के रूप में प्रकट होती हैं। यही सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होकर दुर्गा रूप धारण कर असुरों का विनाश करती हैं और वापस उन देवताओं के शरीर में चली जाती हैं। इसीलिए इनका लोक नहीं होता है, लोक तो रहने का स्थान है। इसीलिए इनकी ना तो कोई सेविका शक्ति है ना ही कोई इनकी शक्तियां हैं, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी देवी देवता इन्हीं के ही सेवक हैं, इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये ऊर्जा का केंद्र बिंदु होती हैं। हमारे अंदर भी विद्यमान शक्ति, जिससे हम बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, स्पर्श के माध्यम से हम अनुभव कर पा रहे हैं, यह सब कुछ माता का ही ऊर्जा स्वरूप है, जिसकी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का लेखा जोखा इन्हीं के अधीन रहता है। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं और अवस्था को बदलते हैं। इन्हीं की शक्ति से इंद्र स्वर्ग चलाते हैं, इन्हीं की शक्ति से वरुण वर्षा करते हैं, वायु हवा के रूप में बहते हैं, अग्नि हर चीज को शुद्ध करते हुए जलाती है। इसलिए यह संपूर्ण स्वरूप में अनंत है। इनके बारे में ना तो आज तक कोई जान पाया है ना समझ सकता है। देवी अथर्वशीर्ष में वर्णन आता है, यस्यम स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानति तस्मादुच्यते अज्ञेया। इनके पांच नाम हैं, अज्ञेया, अनंता, अलच्छा, एका, नेकेति। इस मंत्र का अर्थ है कि जिसके स्वरूप को ब्रह्मा और आदि देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं, तस्मादुच्यते अज्ञेया, वो अज्ञेय है ना, जिनको जाना ही नहीं जा सका है आज तक, और जो जान गया वो सदैव के लिए मुक्त होकर पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन होकर स्वयं परमात्मा हो गया। अनंता, जिनका कहीं अंत ही नहीं है, वह अनंता स्वरूप है। अलच्छा,
जिनको लक्ष्य बनाकर मोक्ष की प्राप्ति की जाती है, एका जो सारे ब्रह्मांडों में अकेली ही व्याप्त हैं, इसीलिए उन्हें एका कहा जाता है, यानी एक एक अक्षर ओंकार के रूप में जो प्रसिद्ध होती हैं, इसीलिए इन्हें एका कहा जाता है। अलक्ष्या, जिसको लक्ष्य बनाया जा नहीं सकता है, कोशिशें तो सभी करते हैं लेकिन इनको प्राप्त करना सर्वाधिक कठिन है। और जो नैका रूप में यानी नौका रूप में भवसागर से तार कराने वाली, पार कराती हैं, जो इस ब्रह्मांड में सभी दुखों का निर्वाण करने वाली हैं, इस ब्रह्मांड रूपी समस्त मोहमाया का अंत करने वाली हैं, सारी शक्तियां, चाहे वो अप्सरा हो, योगिनी हो, भैरवी हो, ये सभी इनके अधीन रहती हैं, क्योंकि ऊर्जा तो सबको इन्हीं से प्राप्त करनी है। इसीलिए कहा जाता है सर्व रूपम मयम देवी, सर्वम देवी मयम जगत, अर्थात सारा स्वरूप उन देवी का ही स्वरूप है, ये सारा ब्रह्मांड जो हमें दिखाई देता है, और सारी शक्तियां भी सब देवी का ही स्वरूप है। उन्हीं मूल शक्ति पराशक्ति को हमें निरंतर भजना चाहिए, और एक माध्यम जो हमें मिला है गुरु मंत्र, उनके ही नाम का वर्णन, उनके प्रभाव का वर्णन करता है, इसलिए उसका तो जाप आजीवन करना ही चाहिए। अब आपने आगे पूछा है कि किसी ने माता काली अगर आपके ऊपर चलाई थी तो उस अनुभव को बताइए, तो आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं अवश्य ही उस अनुभव को प्रकाशित करूंगा जिसमें माता काली मुझ पर चलाई कर किंतु मेरे पास ही वो आ जाती हैं और अपनी कृपा दर्शाती हैं। आगे आपने पूछा है क्या माता के लोक के अप्सरा और देवलोक के अप्सरा में कोई फर्क होता है, अगर ऐसा होता है तो माता के लोक की कोई अप्सरा की जानकारी और साधना उपलब्ध करा दीजिए। वही मैं नीचे बता चुका हूँ कि माता के हजारों रूप हैं, आप माता के कई लोक हैं, जैसे आपको ये तो पता हो ही गया कि माता तीन रूपों में इस ब्रह्मांड को चलाती हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में, तो इनकी जो शक्तियां हैं यानी कि आपकी माता सरस्वती, माता काली और माता लक्ष्मी, और इन्हीं के लोक में विद्यमान रहने वाली अप्सराएं जो हैं वह उत्तम होती हैं देवलोक की अप्सराओं से, क्योंकि देवलोक की अप्सरा मूल रूप से कामुक हैं और इच्छाओं को पूरी करने वाली, भोगों को प्रदान करने वाली और भोगों में लिप्त रहने वाली हैं, इन्हें शारीरिक सुख चाहिए, इसीलिए एक पर्यवेक्षी के रूप में अप्सराओं को स्वर्ग वेश्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी पुरुषों के साथ संबंध बनाना पसंद करती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे मानव शरीर की तरह रोग दुख इत्यादि से परे होती हैं, इसलिए केवल सुख की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार से आनंददायक मनुष्य को सुख काम का प्रदान करती हैं। लेकिन जहाँ तक देवी लोक की संबंध है, जैसे कि आपका चाहे शिव लोक की अप्सरा हो, चाहे ब्रह्म लोक की अप्सरा हो, चाहे भगवान विष्णु के लोक की अप्सरा हो, यह सभी देवी लोक की अप्सरा ही मानी जाती हैं। यह अपने स्वरूप में बहुत ही उत्तम होती हैं, क्योंकि अगर कोई इनकी साधना करता है तो वही इनके साथ वह इसी लोक में आकर निवास करेगा, इसलिए ये बहुत ही उत्तम कोटि की अप्सराएं मानी जाती हैं, उनकी सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। आपको आगे आने वाले समय में मठ और मंदिरों की कहानी में चंद्रा अप्सरा की कहानी भी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी सामर्थ्य से आप समझ पाएंगी कि आखिर यह शक्तियाँ कितनी अधिक शक्तिशाली होती हैं, जो भी मूल रूप से देवलोक से आती हैं, जो मूल देवलोक है वहाँ से आती हैं, यानी कि आपके देवी के लोक से। आपने पूछा माता के अंश से निकली योगिनी शक्तियां और तपस्या करके भैरवी पद को हासिल की हुई भैरवी में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है, तो देखिए मैं पहले बता चुका हूं, कान को इधर से पकड़िए चाहे कान को उधर से पकड़िए, चीज तो वही हो रही है। अब माता के अंश से जो योगिनी शक्ति निकली है वह योगिनी है और वह भैरवी नहीं है, भैरवी उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन कोई अगर
कन्या या स्त्री तपस्या करके भैरवी पद को हासिल करती है, जो कि डायरेक्ट भैरवी पद उसे नहीं मिलता है, पहले वह योगिनी पद को हासिल करती है। तो वह बराबर हो जाती है माता के अंश से निकली उस योगिनी के ही समान। यह सब कहने में आसान होता है, लेकिन कितनी अधिक तपस्या, समर्पण और भीषण तप की आवश्यकता होती है सिर्फ पहले योगिनी बनने के लिए, यह कोई आसान बात नहीं है। और भैरवी तो उससे भी कई उच्च कोटि की शक्ति है। चाहे आप इधर से चले या वहां से चले, ये सारी शक्तियां माता के ही अंश हैं। और जो माता से जितना ज़्यादा जुड़ता जाता है, जितना ज़्यादा उनकी तपस्या करता है, उनके सामर्थ्य और ऊर्जा को हासिल करता है, उसी के अनुसार वह योगिनी अथवा भैरवी के रूप में स्थित हो पाता है। इसलिए ये दोनों आपके कंपैरिजन करने की वस्तुएं नहीं हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, कान को चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, चीज़ वो वही है, एक ही बात है। अब आपने पूछा है कि ईश्वर ने दूसरी दुनिया की योनि जैसे भूत प्रेत आदि जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, उस पर पर्दा क्यों डाल रखा है। इसके विषय में मैं आपको अपने जो किताब है श्री दुर्गा सप्तशती टीका भाग 2 में विशेष रूप से इसके विषय में बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर अभी बता दूँ तो फिर वो जो मूल बात है वहाँ पर समझा कर बताने की वह नहीं बताई जा पाएगी, इसीलिए उसको आप कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि यह मूल बातें हैं। इन मूल बातों को जानने के बाद फिर बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठने लगता है। तो आज मैं समझ सकता हूँ कि आपके लगभग सभी प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए हैं, जिससे आप सभी लोग संतुष्ट हुए होंगे। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।